मैं ग्रूमिंग क्लासेस से लौट रही थी और वहाँ गली के लड़के हॉकी खेल रहे थे सड़क पर, और एक लड़के ने ऐसा शॉट मारा सीधा जाके मेरे तखने पे लगा। हमारे मोहल्ले को उनके मोहल्ले के साथ हॉकी खेलकर उन्हें हॉकी में हराना है। अभिजी के नजदीक जाने का इससे बेटर चांस नहीं मिलेगा बेटा। हालांकि तुझे हॉकी का हा भी नहीं आता है, लेकिन तुझे हॉकी का कोच बनना पड़ेगा। अब विभू हम सबको हॉकी के लिए ट्रेन करेगा। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, ट्रेनिंग का कोई वक्त नहीं होता। भाभी जी को छोड़कर आप सब लोग चमचा मुंह में रख के उसके बाद नींबू रख के इस कॉलोनी के 10-10 चक्कर काटेंगे। अरे यार, ये हॉकी की ट्रेनिंग के चक्कर में हम अंगूरी के साथ रोमांस ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हम रोमांस करके दम लेंगे। अंगूरी, अंगूरी, अरे यहाँ आओ पगले। अरे लड्डू के भैया, कहाँ इतना चिल्ला रहे हैं? यहाँ आओ पगली। तुम कहाँ चली गई थी पगली? है देखो, आज हमारा रोमांस करने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन हमारा बिल्कुल ना ही कर रहा है। वो कहा है ना कि सुबह सुबह उठकर हमको टायरिंग के लिए भी जाना है। वो टायरिंग नहीं, ट्रेनिंग होता है पगली। सही पकड़े हैं। हाँ, वैसे भी हमको बहुत नींद आ रहा है। ना 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 पगली, नींद नहीं। देखो, आज हमारा रोमांस करने का बहुत मन है। क्या है कि भभूति जी ने मानसिक और शारीरिक रूप से इतना टॉर्चर किया है कि वो रोमांस से ही तो दूर होगा ना पगली। ठीक बा। आई लव यू पगली। मिठू भाभी, इट्स नॉट मिठू, इट्स मी टू। सही पकड़े हैं। अरे भभूति जी, आप यहाँ कहाँ कहाँ टपक पड़े? मैं पूछ रहा हूँ, चल क्या रहा है? क्या क्या चल रहा है? रोमांस चल रहा है। अपनी बीवी के साथ रोमांस करना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है, ये गुनाह अजीम है। क्या? जी हाँ, ट्रेनिंग के दौरान ये प्यार मोहब्बत रोमांस खिलाड़ी का ध्यान भटकाते हैं, उसे उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आपने पता नहीं है आपको कि कितने बड़े बड़े प्लेयर्स इस प्यार रोमांस के चक्कर में एकदम जीरो हो गए, उनका करियर चौपट हो गया है। लेकिन हमारा करियर ये हॉकी वॉकी नहीं है, हमारा करियर कच्चा बनियान है। तो आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आपका करियर कच्चा बनियान है। फिर भी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहे हैं, जिस मैच पर हम सबकी साग दाव पे लगी है। काउच सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं लड्डू के भैया, जाने दीजिए ना, रोमांस तो हम बाद में भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है यार, हटाओ मटियाओ, अब तो तशरीफ ले जाइए। हम तशरीफ ले जाने नहीं आए, हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देने आए हैं, स्पेशल ट्रेनिंग। अरे यार, अब क्या हमारी जान लेके छोड़ोगे? चुपचाप उठिए और कॉलोनी के 10 चक्कर काटिए। अगर आपने नहीं काटे तो सुबह आपको 50 चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे यार, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। चाहिए ना, हटिए। All the best. तो भाभी जी, are you ready? हाँ, ready बा। भाभी जी, मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप मुझसे कोल्ड लैंग्वेज में बात कीजिए, लेकिन आप समझ नहीं रही। अब आपको पनिश करूंगा मैं। आप अब मुझे 10 बार नॉन स्टॉप कहेंगे कि आप रेडी हैं। Come on, चल। It's not murgi, it's mirgi. सही पकड़े हैं। Come on, let's have training. Let's do some training. Come. अबे देख, हमारी दुश्मन टीम का खिलाड़ी हमें हराने के लिए ना बड़ी मेहनत कर रहा है। अबे चश्मिस, इधर आ। हाँ, मैं बुला, इधर आ। क्या हुआ भाई साहब, आप हमें ऐसे काहे घूर रहे हैं? क्यों बे चश्मिस, सुना कि हमसे हॉकी खेलने के लिए तू बड़ी मेहनत कर रहे हैं? चल साले की टांग तोड़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे खेलता है।
अरे अरे नहीं 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 भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हम तो खुद ही उस टीम में खेलना नहीं चाहते। लेकिन ये सारा झगड़ा जो है ना, वो जो हमारा कोच है ना, उसका फैलाया हुआ है। अगर बैंड बजानी है तो उसकी बजाइए। अच्छा जी, बताना उस कोच का नाम, उसका कोच गिरी तो मैं निकालता हूँ। बताओ उसका एड्रेस। जी जी, वो क्या है, जैसे ही आप हमारी गली में एंटर करेंगे ना, मतलब अंदर घुसते ही वो सामने दिखाई दे जाएगा। उसके गले में सीटी होगी, हाथ में हॉकी और स्टॉप वॉच होगी, बस समझ लेना वही हमारा कोच है। चल निकल निकल, गुस्सा मत दिखा यहाँ पे, निकल जाइए जाइए भाई साहब, बेस्ट ऑफ लक। चलिए बबूति जी, बड़ा शौक चल रहा था ना आपको हम सबकी बैंड बजाने का, अब हम देखते हैं कैसे बजती है आपकी बैंड। विभूति अबे ओ, अब यहाँ खड़ा हूं मैं, चिल्ला क्यों रहा है, चले बगा मोहल्ला अंदर आ, चल चल अंदर। अबे क्यों भटक रहा हमारे मोहल्ले में, क्या हो गया? अबे साले विभूति, तू है कहाँ? मैंने तुझे न जाने कितने फोन किए, न तो तू फोन उठाता है और न तो तेरा फोन लगता है। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने मोहल्ले की टीम को ट्रेन कर रहा हूँ, कोच हूँ। मोहल्ले की हॉकी टीम को ट्रेनिंग दे रहा है? हाँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले की टीम ने बगल वाले मोहल्ले की टीम से मैच रखा है और वो मैच हमें जीतना है, इसलिए मैं अपनी टीम को पर्सनली ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्यों ये मोहल्ले वालों को बेवकूफ बना रहा है? ये गली में सीटी लटकाने से कोई कोच नहीं बन जाता है बेटा। चल टाइम पास मत कर, काम है तो बोल वरना रास्ता नाप। चल अबे यार, आज तेरे साथ दो दो टिकाने का मन कर रहा था, माल तो मैं लेके आया हूँ कोच साहब। अब कोच साहब आप जाइए और जाकर बर्फ और ग्लास लेके आइए। लाता हूँ। अच्छा सुनना यार, ये सीटी और स्टॉप कोच तो देखे जाना, मैं भी तो जरा देखूं कोच बनकर कैसा फील होता है। ये ले, लेकिन ध्यान रखना बेटा, किसी लड़की को देखे सीढ़ी में बजा दियो, वरना इसी हॉकी से बैंड बजा देगी तेरा। गले में सीटी, स्टॉप वॉच, हॉकी, यही हो? क्यों बे चिकने, सुना है कि तू इस मोहल्ले की टीम को ट्रेनिंग दे रहा है? बताता हूं, इधर आ। अबे ओ, कौन हो तुम लोग, और ये लटूना कौन है तुम्हारे साथ है? और चाहते क्या हो? अबे ये प्रेम चौधरी के साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं बे? क्या चाहते हैं? बताते हैं बेटा तेरे को, तेरी अच्छी सी धुनाई करके ना तेरी सारी कोचिंग गिरी ना झाड़ना चाहते हैं। हमारी टीम को हराएगा, देखते हैं हमारी टीम को तू कैसे हराता है। अबे ये क्या कर रहा है? बड़ा सूट बूट पहन के क्या नाम तो गलत पार्टी को धो दिया बे। चल छोड़, बड़ा आया था हमें हराने, हॉकी तो ले ले। विभूति है, अरे हाँ विभूति है। अबे प्रेम, पे क्या ढूंढ रहा, क्या खो गया तेरा यार? ओके क्या हुआ? ओबे तुझसे मैंने कहा था कि बेटा सीटी मत बजाइयो लड़की को देख के, तूने बजाई और तेरा बैंड बज गया। अरे यार, मैंने किसी लड़की को देखकर सीटी नहीं बजाई, बल्कि कुछ लड़के तुझे धोने आए थे और तेरे धोखे में मुझे धोकर चले गए। कौन थे लड़के, कौन थे वो, कहां से आए थे, कहां से आए थे? पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे साले तू हमारी टीम को हराएगा तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, ये कहकर उन्होंने मुझे धोना शुरू कर दिया। थैंक यू यार प्रेम, तूने मेरी बला अपने सर ले ली यार, और एक्चुअली यू डिजर्व डेट। अब बता पिएगा घर लेके जाएगा? पीऊंगा और ज्यादा पीऊंगा। आप लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, आपको पता भी है कल रात को क्या हुआ था? का होगो गोरी में
दुश्मन टीम के लड़के हमारे कोच को पीटने जानलेवा हमला करने आए थे। हटिया, तो पीट गए का? कोच तो हमारे साथ हैं, लेकिन वो लड़के कोच के धोखे में प्रेम को पीट गए। हाँ। गद्दार हमारी टीम में से कोई एक है जिसने उन लौंडों के साथ मिलकर मुझे पीटने की साजिश रची है। कोच साहब, कौन है वो कमबख्त मारा गद्दार? कसम से कह रही हूँ, मैं ना उसके गुर्दे फोड़ दूंगा। ना बेटे, ना ना गुर्दे मत फोड़ बेटे। भाभी जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, दरअसल हमारी टीम में तो सब वफादार है। हाँ, अगर आपको हप्पू सिंह पे कोनो डाउट है तो बकवास कर रहे जो गोरी में हम पे डाउट करेंगी, फालतू का बोलो तुम। अरे भाई, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जरूर न्योछावर खोर है लेकिन गद्दार नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। गद्दार ना तो हप्पू सिंह है, ना टिल्लू है, ना मलखान है। अगर कोई गद्दार है तो वो आप है भैया। आप है गद्दार, आप। भाभी जी, आप पगलट की बातों पे विश्वास मत करिए, ये तो हमेशा झूठ बोलता है। तिवारी जी, एक मिनट। सक्सेना जी जरूर थोड़े पगलट हैं, लेकिन वो झूठ कभी नहीं बोलते। आई लाइक इट। तिवारी भैया, मैंने आपको देखा था, दुश्मन टीम के लड़कों के साथ आप बातचीत कर रहे थे। मुझे लगा ऐसे ही मिल गए होंगे, जनरल बातचीत कर रहे होंगे। मुझे क्या पता था कि एक गद्दार है आप, और एक गद्दार उन दुश्मन टीम के लड़कों के साथ मिलकर हमारे कोच के खिलाफ साजिश रच रहा है। तो विश्वास ही नहीं हो रहा है लड्डू के भैया कि आप गद्दारी किए। हम आपसे बात ही नहीं करेंगे अब। ना पगली ना। मैं जीतोड़ मेहनत कर रहा हूँ ताकि हम ये मैच जीत सकें, अपने मोहल्ले की साख बचा सकें, फिर दामन पे जो दाग लगा है वो दाग धो सकूं। और आप, इतनी छोटी हरकत की आपने, इतना गिर गए। मौला मेरे ले ले मेरी। तिवारी जी, I hate you. Yes, I hate you. कोच, आपके हिसाब से इस गद्दार को क्या सजा देनी चाहिए? अनु, you the captain. तुम टीम की कैप्टन हो, you take the call. Okay. तो मेरा फैसला यह है कि इस गद्दार की हमारी टीम में कोई जगह नहीं है। Teammates, don't waste your time on this man. Come on. Come on, everybody. Move it. Come on, move it. Come on, guys. Move it. हम भी move it करेगा। नहीं भाभी जी, आप तो यही move it किए, बस हमारे आसपास ही रहे। ठीक बा, लेकिन हमको बहुत उल्टी फील बा हो रहा है कि लड्डू के भैया आपके साथ गद्दारी किए हैं। भाभी जी, it's not उल्टी, it's guilty. सही पकड़े हैं। अभी मैंने आपसे कहा है क्या, मुझसे कोड लैंग्वेज बात कीजिए प्लीज। स्वीट हार्ट, अभी जा रही हूँ। रेडी? भाभी जी, भाभी जी, नाम मत लीजिए अपनी जबान से मेरा। और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? एक गद्दार के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा ना कहिए। अच्छा, तो कैसा कहूँ, आरती उतारूँ आपकी? भाभी जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तिवारी जी, आप कुछ समझते भी हैं? विभू हमारी टीम का दिल है, दिल। अगर हमारे कोच को कोई नुकसान पहुंचेगा, यानी कि सीधा सीधा हमारी टीम को नुकसान पहुंचेगा। हाँ भाभी, दरअसल हमें इस बात का पहले एहसास नहीं था, लेकिन अब एहसास हो गया।
इसलिए माफी मांगने चले आए भाभी। अगर आपको माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, कोच से मांगिए। कोच, कोच। यस कैप्टन। ये गद्दार आदमी क्या कर रहा है हमारे घर में? कोच, अबे कोच, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारी इस भूल की वजह से हमको दुगना लगान देना पड़ सकता है लाखा। दुगना लगान? जो तुम अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी टीम की जासूसी किए हो उससे हमारी टीम हार भी सकत है और हमको दुगना लगान देना पड़ सकत है। भाभी जी तो दूसरा ही सुर लगा रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ तिवारी जी? अगर दूसरा सुर लग रहा है, राग तो एक ही है, और आपको कोच के शब्दों का सार समझना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि जो आपने गद्दारी की है वो लगान के लाखा से कम नहीं है। एक्चुअली यू आर लाखा फ्रॉम लगान। लाखा फ्रॉम लगान। नहीं भाभी जी, हम लाखा नहीं है, हमें माफ कर दो, हम लाखा नहीं है। हम तुमको माफ कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? एक शर्त है कि तुम अपना इस सर हमारे पैरों में रखे दया की भीख मांगोगे। चलिए। हमें माफ कर दो कोच, माफ कर दो कोच, माफ। जाओ, हम तो कम माफ कर दिए, लेकिन लाखा याद रखना, तुम्हें अंग्रेजन की विकट चटकानी है। इनमें भुवन कहां से घुस गया? चटकाएंगे। निकलो। टीममेट, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि विभू ने नहीं मतलब हमारे कोच ने तिवारी जी को माफ कर दिया है। कोच, आप अपना आज आखिरी ट्रेनिंग का सेशन लीजिए ना, शुरू कीजिए। या, श्योर। दोस्तों, टेल मी, ये क्या है? मैं पूछता हूं, ये क्या है? हॉकी। ये हॉकी महज एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा मामूली नहीं है। उन देशों की शान है जो हॉकी खेलते हैं, वो हॉकी प्लेयर्स की शान बान आन है ये हॉकी। जब हॉकी का प्लेयर ये हॉकी लेके मैदान में उतरता है तो ये उसका हथियार होती है, इसके बल पे वो जंग लड़ता है। एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि आप लोग हॉकी का गेम खेलने नहीं जा रहे हैं, आप लोग एक जंग लड़ने जा रहे हैं। जंग लड़ने? वो जंग आपको लड़नी है और जीतनी है। अंडरस्टैंड? यस कोच। इस मोहल्ले की इज्जत के लिए, इस मोहल्ले की शान के लिए, इस मोहल्ले की आन के लिए, just give me 70 minutes of your life. Am I asking too much? ये जंग आपको जीतनी है। मेरे तमन पे जो हॉकी की वजह से दाग लगा है, आपको ये जंग लड़के जीतनी है, और वो दाग तो ना है मेरे माथे का, वो मेरे माथे का लगा दाग आपको ये मैच जीत के धोना है। Can I touch you guys? Can I touch you guys? Can I touch you guys? Theo. Rook. London में टैक्सी चलाएगा।
अरे क्या रिएक्शन देता है यार तू भी। ये कहां से आ गया यार? नमस्ते चाचा जी। खुश रहो। जी नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए क्या भीड़ लगा रखी है भाई? चाचा जी हम बिजी हैं, आप बाद में आइए ना। अरे कैसा सिर पर आदमी है, बाद में आइए, मैं लंदन से आ रहा हूँ, कोई झकरकटी से नहीं आ रहा हूँ। अरे काम कीजिए, अब जाइए झकरकटी होके आइए, रात को आइएगा, जाइए। अरे सुन, ये बताइए क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? अरे सुनिए कोच साहब, इन्हें रहने दीजिए ना, काहे भेज रहे हैं, ये भी हमारा हॉकी का मैच देख लेंगे। और ई रहेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे हमारा मैच देखने के लिए इंटरनेशनल ऑडियंस भी होगी। चाचा जी हमारा हॉकी का मैच देखिए ना। अरे भाई देखेंगे देखेंगे। अरे लेकिन ये तो बताओ तुम लोग कब से ये हॉकी के प्लेयर बन गए? अरे चाचा जी जॉन मोहल्ला में भैया विभूति जैसो हॉकी को महान प्लेयर हो, बा मोहल्ला को तो बच्चा बच्चा हॉकी खेलते है ना। तो क्या बोल रहा है हवलदार? सर ये मेरा छोटा सा आशियान है, ये सक्सेना जी का। ओके। और ये हमारा मॉडर्न कॉलोनी सर। नाइस। जी सर। ये कचड़ू कब से हॉकी का प्लेयर हो गया? चाचा जी जाके अंदर बैठ के क्यों रायता फैला रहे हैं आप? अरे तेरा संबंध क्या है मुझे मालूम है, तेरा हॉकी से सिर्फ इतना संबंध है कि एक बार लड़कियों की हॉकी टीम ने इसे अपनी हॉकी से जम के पीटा था। कैसे पता आपको? आप थे क्या स्कूल में मेरे साथ? ये तो नहीं थे लेकिन मैं था। हेलो 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 एंड हेलो, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल। हॉकी छोड़िए किसी भी स्पोर्ट्स के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था। और ये एक ही स्पोर्ट्स में माहिर है, पत्तों में। और तो और जो हमारे स्कूल की हॉकी की टीम है लड़कियों की, इसने उनमें से एक लड़की को छेड़ा भी था। और लड़की ने जो इसको हॉकियों से धोया था ना, आई लाइक इट। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। आर यू रेडी बा?